तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। गाइस जॉइन बाय सुमे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल का उसके, और हमारे सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टेंट स्क्रीन पे फॉलो अस। ओके, और आज इस वीडियो रिएक्शन वाले मैंने डॉक्टर जाकिर नायक, ओके हिंदी में गाइस, ओके या फिर उर्दू, क्योंकि पिछली बार वीडियो को सुमे को समझ नहीं आई तो मैंने इसलिए ये वीडियो चूज करी है उर्दू में। और गाइस लाइट चलेगी, सो आई वाज लुकिंग। बहुत अच्छा, झूठ बोला था ना, झूठ बोला था ना। ओके ना 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 गाइज, आई एम लुकिंग बिट ब्लैक बट दिस इज माई रियालिटी, सो डील विद इट। ओके, सो या जस्ट लेट्स वीडियो। ओके, हिंदू गर्ल आस्क अ फनी क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी भी क्या फनी क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर नाइक, लेट्स स्टार्ट। चाहती है कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सुनना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आवाज में आ रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है, तो ये जरूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए, और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। ओके, नाइस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे बेसिकली हर रिलीजन अच्छा लगता है, बट एक्सेप्टेंस अलग केस है। ओके, लेट मी सी व्हाट ही से। ओके, कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है कुरान मजीद, इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं? अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तार, वैसे लड़की है लड़का है? ओके, शी इज गर्ल। अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है, तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करती कबूल करना ही चाहिए, तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने मैंने एडमिशन लिया है, तो फ्रेंड सर्कल में सब में तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे, तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इधर आने के बाद, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसके बाद सर अच्छा लगा, और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप अगर आपके बहुत से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है, सॉरी सर। अगर आप आजम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान है, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। तू कैसे झूल रही है ऐसे करके? तू कैसे झूल रही है? अपने अपने नहीं सुनना, सुन के पापा, मतलब ऐसी एकदम से अच्छी वाली फीलिंग आती है ना जब अपने बारे में कुछ सुना ऐसा, मतलब हमारे रिलीजन ऐसा है। मैं कह रहा हूँ, बोल रहे तू कैसे झूल रही है ऐसे करके? नहीं ऐसे नहीं कर रहा, मैंने बोला हाँ ये वाला सीन था, कोई कंपल्शन नहीं वाला सीन था। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आजम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आजम कैंपस से बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मजहब सही मजहब है, और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, एक दिन लीजिए, दो दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए, बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मजहब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा, तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, समीर एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सर मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक है उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है, और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है, तो एज अ सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि
हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित। अमित, अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए। नाइस क्वेश्चन वासी। ओके यार, ये क्वेश्चन ना अक्सर मैं भी मतलब अपने आप को पूछती थी और आज मैं सुन रही हूं, मुझे लग रहा है ओके मेरे सवाल का जवाब मिलने वाला। मैं सोचती थी ओके ठीक है, हम तो मुसलमान है, हम अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन जो जो मुस्लिम नहीं है तो इसमें उनकी भी तो कोई गलती नहीं कि वो मुस्लिम फैमिली से पैदा नहीं हुए। Hey bro, come on man. Come on man, don't disrespect other religion. This is I'm not saying, मैं बताऊं सिंपल इसका आंसर। ओके हम बेस्ट रिलीजन है हमारा, हम लोग ये बोलते हैं। ओके लेट मी आंसर मतलब जो मुस्लिम वो ये क्लेम करते हैं कि उनका रिलीजन बेस्ट है, बट जो दूसरे धर्म में बंदा पैदा रिलीजन पैदा हुआ वो उनका मानना कुछ और है, उनका उसी मानना जैसे तुम्हारा उनका मानना अपने रिलीजन के लिए है। ओके अब वो सोचेंगे ये भी बोलते हैं नहीं ना, सुनो ना तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। ओके आफ्टर वीडियो हिदायत नहीं कोई अभी करूंगी। हाँ, okay. और फिर ये भी बोलते हैं कि हिदायत अल्लाह ताला देता है, तो मैं सोचती हूं फिर मतलब फिर क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अब मुझे लगता है आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके लेट मी लिसन। ओके तो ना इंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये ना इंसाफी नहीं? और आप अल्लाह सुबहाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते ये कैसा? इसीलिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए, लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुजिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते के सनूरी आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन अन्नहु अल्हक, अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में ताकि हर दिल में हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है, लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालदेन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की, अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलिंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है। आज दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़ ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते, डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने? कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने? और ये जानने के लिए अगर आप खुले ध्यान से ये तकरीर सुनेंगे इंशाल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है।
तो नाज़रीन जैसा कि डॉक्टर साकिर नाइक, वैसे हमने स्टार्ट तो कुछ और किया था वीडियो देखने के लिए, बट नाइस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए ओके, एक तो लास्ट वाला और जो जो तेरा फेवरेट क्वेश्चन था वो ओके डैम, मतलब यार लाइक तुम्हारे भी सवाल, तुम्हारे भी थे ये सारे सवाल। नहीं ब्रो, मेरे सवाल ऐसे ऐसे सवाल है ना, मतलब कम अगर मैं बोलने लग गया ना वीडियो के अंदर, कम से कम एक डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी ओके, जो मेरे सवाल हैं ओके। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली मेल डालता हूँ, मैं इनको तो नहीं डाल पाता डॉक्टर साकिर नायक को, मैं उनको डालता हूँ मुफ्ती को ओके, जो क्या नाम है मुफ्ती महसूद ना, उनको डालता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे साथ एक लाइव सेशन करो प्लीज़, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क ओके, जिस दिन रिप्लाई आएगा आई विल ट्राई टू बी ऑन लाइव और फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने मेरे पास लिस्ट है पूरी लिस्ट है मेरे पास ओके। आई नो यू गाइस लाइक सुमित तो बिल्कुल नहीं दे सकती आंसर स्पेशली, और जो कमेंट्स में है वो भी नहीं दे पाएंगे आई एम डैम श्योर। सो नहीं नहीं सारे आंसर देते हैं, सारे आंसर मिलते हैं, लेकिन इनका जैसे इंटरव्यू होता है लाइट इज बैक आई एम अगेन वाइट ओके, और कोई समझे ना, मतलब एक क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 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 समझे ना, इसके लिए आई नीड अ गुड पर्सन जिससे मैं बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता हूँ ओके। सो प्लीज डोंट राइट इन कमेंट्स, नहीं नहीं तैसे नहीं, मैं गुड पर्सन इन द सेंस मतलब जो पढ़ा लिखा उस चीज के अंदर, मतलब जिसको बहुत नॉलेज है ओके, हम टॉकिंग वाला फॉर एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नाइक, लाइक उनको अपने रिलीजन की बाकी सबकी नॉलेज है, सो ही विल बी द परफेक्ट। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया से है, ठीक है सही है? यस आई नो, तो तुम चले जाओ जाके पूछ, इंडिया में बहन है ना शायद, ये भी इंडिया में नहीं रहते ना शायद, व्हाई I don't know. don't ask these questions. जानबूझ के किया था सवाल मेरे तुमसे। अच्छा तुझे पता था ना, तुझे पता था वैसे। Okay, कोई बात नहीं guys. So yeah, मिलते हैं next video में, till then take care, bye bye, see you.